सीएमसीडी के करप्शन से कर्मचारियों का जीना हुआ दुश्वार। केशवपुर जून में पीतमपुरा वार्ड नंबर 61 में मानव अधिकार सेना मीडिया सेल द्वारा निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेना को मिला था। कंप्लेन का अनुसार पीतमपुरा में वार्ड नंबर 61 में ये पर 55 कर्मचारी है लेकिन काम करने के लिए 20 कर्मचारी है। मीडिया के पूछने पर कर्मचारी ने बताया सुबह 7 बजे आकर अपने सिग्नेचर करके चले जाते हैं। लगभग सभी कर्मचारी 5,000 रुपये हर महीना दरोगा सुनील को देते हैं। अगर नहीं देंगे तो उनको परेशान किया जाता है। केशवपुर जून से कच्चे कर्मचारी से पक्का करवाने के लिए दरोगा सुनील 50,000 से 1,00,000 तक लेता। ये दरोगा सुनील 8 सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। इनको बदलाव भी नहीं होता है, यही रहते हैं। कर्मचारी को सबको डर है अगर सुनील दरोगा ट्रांसफर हो जाएगा कर्मचारी लोग पक्का करवाने की दिया हुआ सारा पैसा डूब जाएगा। इसी वजह से कोई कर्मचारी आगे नहीं आ रहा। एक कर्मचारी को लगभग 14,000 मिलते हैं। 14,000 में सुनील दरोगा का पेट भी भरे और कर्मचारी अपने अपने परिवार को कैसे पाले। अगर ऐसे अधिकारी लोग डिपार्टमेंट में रहे तो जिंदगी जीना आसान नहीं। कुछ कर्मचारी ने हर जगह कंप्लेन किया लेकिन कंप्लेन सारा कूड़े में गया, कोई सुनवाई नहीं है। डाल चुके पहले, कहाँ कंप्लेन डाली थी आपने सर? मैंने डीसी साहब को लिखा है सर। डीसी साहब को? जी जी, आप अपने एमसीडी डिपार्टमेंट के डीसी साहब को लिखा है या पुलिस डिपार्टमेंट या क्राइम ब्रांच के डिपार्टमेंट पे भी शिकायत डाली है कहीं? एक्चुअली हमारे पहले तो मैंने एमसीडी डिपार्टमेंट को लिखा, हमारे जो डीसी साहब बैठते केशवपुर जी जी, मैंने उनको लिखा। एसएस को लिखा, एसी साहब बैठते हमारे, मैंने उनको लिखा। जी जी, जब उन्होंने को कार्रवाई नहीं की, मेरी नहीं सुनवाई हुई तो मैंने मेडिसिन सेल को लिखा है। जी जी, और उसके अलावा सफाई कर्मचारी आयोग को भी मैंने लिखा है। जी जी, कई जगह शिकायतें दर्ज कर चुके हैं। कितने टाइम के अंतराल में ये शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं लगातार? ये जो है अभी मैंने जो है सबसे पहले शिकायत जो की थी 1-1.5 महीने पहले की थी। मैंने 1-1.5 महीने पहले डीसी साहब को लिखा था, उसके बाद फिर मैंने अभी जो है 15-20 दिन पहले जो है सफाई कर्मचारी आयोग को भी लिखा है। जी जी, दोनों सफाई कर्मचारी आयोग को लिखा जी मैंने, जो करोल बाग वाले हैं और अपना जो ये जो है अपना करना जी खान मार्केट जो है, मैंने उनको भी लिखा। अच्छा, लोकनायक भवन खान मार्केट, खान मार्केट को भी मैंने सफाई कर्मचारी आयोग जो है उनको भी मैंने एप्लीकेशन दी है। जी, और उसके अलावा मैंने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है। जी, और एंटी करप्शन को मैंने लिखा है, कई जगह मैंने लिखा है। जी, और मैं आशा, कोई रिलीफ मिली? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिली है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है मुझे जस्टिस मिलेगा। आई होप कि मुझे जस्टिस मिलेगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे साथ का इंसाफ होगा। जी ठीक, देखिए ऊपर से बारिश हमको सुनने में आया, जो काम करना के जो डेली वेज उनसे जो अशोक दुर्गा जो पैसा लेते कितना लेते आपसे? मेरे से तो कुछ नहीं लेते। आपसे कुछ नहीं लेते? अच्छा, पक्का होने के बाद उससे पहले पक्का होने के लिए तो सब नहीं दे रखे, जो पक्का होने के आपने वो आप कच्चों में पक्कों में कच्चों में पक्का होने के कितने लेते हैं? ले लेते हैं किसी पे 50,000, किसी पे 1,00,000 भी ले रहे हैं। अच्छा, मन माने दाम जो चाहे जो जितना दे दे। यहाँ पे पहले डस्टबिन रखा था आप जी, आप बताइए जानकारी दूरी। पहले यहाँ पे जी डस्टबिन रखा था, वो डस्टबिन उठा दिया, मैंने क्या मुझे यहाँ से उठा दिया डस्टबिन, और एक बंदा यहीं पर रखा था। क्या कहना चाहते हो इसका, इस मामले में क्या? आजकल बहुत करप्शन हो रहा है, वो करप्शन का मुद्दा पे हमारे पास एक कंप्लेंट आया हुआ, वो कंप्लेंट पीतम्बरा एमसीडी का वार्ड नंबर 61। अभी देखो हमारे साथ अशोक कुमार है, अशोक कुमार से पास हम जा रहा हूँ। अशोक कुमार जी, आपका क्या परेशानी है इसी वार्ड पे? सर मुझे परेशानी ये है, मैं सुबह टाइम से आता हूँ सर, यहाँ 6:30-7 बजे आ जाता हूँ सर। उसके बाद मुझे कहते हैं हमारे सुनील जी जो हैं, आप काम करके आओ, उसके बाद मैं आपके हाजिरी लगवाऊँगा। ठीक है जी, जब मैं काम करके आता हूँ तो कहता तू लेट आया है इसलिए तेरी हाजिरी नहीं लगेगी, और जब आ जाता हूँ उसके बाद दूसरे बीट पे भेज देता है मुझे, दो दो काम कराता है, उसके बावजूद भी मेरी एब्सेंट लगा देता है, हर महीने मेरी तनख्वाह कट रही है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। हाँ जी, ये सुपरवाइजर का नाम क्या? सुनील नाम है जी सुपरवाइजर का, ASI हमारे यहाँ सुनील जी। अच्छा, उन्होंने बोलते हैं जो पहले जाकर काम करो उसका बाद हाजिरी लगेगा, जो उसका बाद 9 बजे आप हाजिर लगाने आते वो क्या बोलते हैं? वो बोलता है आप लेट आए हो इसलिए आपकी हाजिरी नहीं लगेगा, आप टाइम से क्यों नहीं आए हो? अच्छा, जबकि मैं टाइम से आता हूँ सर, सुबह आ जाता हूँ 6:30-7 बजे आ जाता हूँ सर मैं। पिछले महीने आप कितना आपका सैलरी कितने? सर वैसे तो टोटल सैलरी हमारी 16
1000 के आसपास है, और जिसमें से 2000 रुपये हमारे कट जाते हैं पीएफ में, और उसके अलावा हमारी 14000 रुपये सैलरी बननी चाहिए, लेकिन पिछले महीने इसने हमारी सैलरी काट दी। हमारी सैलरी 9000 कुछ रुपये बनाई, उसके बाद 10000 रुपये बनाई, और इस महीने हमें पता नहीं अब कितनी सैलरी बनी होगी। ये कहता है मुझे 5000 रुपये दोगे तो आपकी पूरी सैलरी बनेगी, नहीं दोगे तो नहीं बनेगी। ये वार्ड नंबर पर कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पर 55 कर्मचारी हैं हमारे पास जो है, जिसमें से जो है 25 कर्मचारी लगभग जो है घर रहते हैं, बाकी कर्मचारी 30-35 के आसपास यहाँ आते हैं काम करने। वो क्यों घर में रहते हैं? वो पैसा देते हैं जिनको 10000 रुपये महीना देते हैं, इसलिए जो काम करने नहीं आते हैं। अच्छा, जो हमारा हमको एक बात सुनने में आया, जो परमन करने में 50000, जो ऐसे काम करने में 10000, ऐसे कोई बात है? जी सर, बिल्कुल ये फैक्ट है। जो हमारे यहाँ कर्मचारी कच्चे हैं, उन सब ने सुनील एसआई जी को 50000 रुपये दे रखे हैं, और कहते हैं कि जब पैसे दोगे तब आपका काम होगा। मुझे भी इन्होंने कहा कि तुम पैसे दो तुम्हारा काम करा दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने मना कर दिया, और मेरा काम अभी भी अटका पड़ा है, मैं अभी तक पक्का नहीं हुआ हूँ, मैं परेशानी से भी जूझ रहा हूँ सर। अच्छा, जो पैसा नहीं देगा मतलब जो आपको उन लोगों को परेशान कर देते हैं? जी सर, ये उन्हीं को परेशान करते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, जो पैसे दे देते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं सर। ये अधिकारी, ये अशोक दुर्गा जो मतलब कितने सालों से यहाँ पे? ये हमारे जो सुनील जी हैं यहाँ 8 साल से हैं, और मैं यहाँ 1997 से काम कर रहा हूँ, 25 साल हो गए सर मुझे यहाँ काम करते हुए। ये अधिकारी मतलब जो सुनील दुर्गा ने जो 8 साल से साल से यहीं पर है सर ये? अच्छा, 8 साल से यहीं काम कर, एक ही जगह पे? एक ही जगह है सर यहाँ पर। अच्छा, जो हमने यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी के बारे में अभी बताया, जो रेहड़ी पटरी में क्या बोलना है आपको? देखो जी, रेहड़ी पटरी वाले जो बैठे हुए हैं वो दुर्गा जी को जो है, सुनील जी को जो है 1500 रुपये पर रेहड़ी वाले देते हैं, यहाँ 30-35 रेहड़ियाँ लगती है, जो पैसा इनके पास आता है। अच्छा, देखो यहाँ पे नॉर्थ एमसीडी में इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, वो करप्शन हम जो का इसका शिकायत हम आगे चेयरमैन का पास भेज रहा हूँ, इसका कार्रवाई जल्दी होने, ये अशोक जी को निधि न्याय मिलना जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं न्याय के लिए वेट कर रहा हूँ, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, आई एम वेटिंग फॉर जस्टिस, सो प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट योर हेल्प। मैं कुछ सवाल सर आपसे छोटे से करना चाहूँगा। जी सर, इसी मुद्दे पर, ये आपके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैं देख रहा हूँ आप अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहे हैं, सुनने में ये भी आया आपके साथियों ने बताया, कर्मचारी साथियों ने, कि आप थोड़े से मतलब कुछ एजुकेटेड भी हैं आप। जी सर, मैं 12वीं पास हूँ और मैंने इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने 95 में किया था सर जी, और ये इसीलिए मेरे से दुश्मनी से निकालते हैं, मेरे साथ हरेसमेंट कर रहे हैं। रिश्वत भी नहीं देते? हाँ, मैं इनको पैसे नहीं देता हूँ, इसलिए जो है ये कहने लगे भाई इनसे पैसे लो। पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ क्यों जा रहा है, इस पे थोड़ा सा कुछ शब्दों में बताइए। सर, डिपार्टमेंट वाले जो हैं इनको पैसे देते हैं सब जो है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 5000 रुपये देता है, ठीक है जी, तो दरोगा जी को पैसे देते हैं तो इसलिए वो उनके फेवर में रहेंगे जी, मैं पैसे नहीं देता इसलिए मेरे खिलाफ। कच्चे पक्के का भी चक्कर है, आप अभी भी कच्चों में? हाँ सर, मैं 25 साल से जो कच्चा हूँ, मैंने अपनी फाइल चला रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आपका पे स्केल लगभग कितना है? सर, मुझे टोटल सैलरी 16-17 हज़ार के आसपास मिलती है सर जी, और उसमें से ये कुछ डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश? हाँ सर, इसलिए दबाव बना रहे हैं, कह रहे जी 5000 रुपये देगा तो हम तेरी पूरी सैलरी बनाएंगे, और नहीं देगा तो हम तेरी सैलरी नहीं बनाएंगे। घबराए नहीं, आपके खिलाफ सारे लोग अभी हमारे सामने हो गए थे ऑफ कैमरा, काफ़ी लोग आपके खिलाफ हो गए थे उस पर। सर घबराना क्या है सर, मैं सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलने में विश्वास करता हूँ सर। आप सेल्फ डिफेंस पर जब जाते हैं तब भी उन्हें ऑब्जेक्शन होता है? हाँ सर, वो कहते हैं भैया आप जो काम करते हो अपनी वीडियो मत बनाया करो, लेकिन मैं अधिकारी को दिखाने के लिए अपनी वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो है मुझे झूठा ना सिद्ध किया जा सके, खुद के रोजगार को, खुद के काम को बचाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, खुद की सच्चाई साबित करने के लिए आप खुद की वीडियो बनाते हैं? जी सर, मैं अपने काम की वीडियो बनाता हूँ। इनको ऐतराज आ रहा है? उस पर भी ऐतराज करते हैं ये लोग जो है, मैंने सेल्फ डिफेंस कहा है। जी सर, ये ऐतराज करते हैं कि भाई तुम वीडियो क्यों बना रहे, जब सब कर्मचारी और अपनी वीडियो नहीं बनाते तुम क्यों बनाते हो? डिपार्टमेंट को आपसे कोई खतरा है क्या? नहीं, मेरे से तो कोई खतरा नहीं है, मुझे डिपार्टमेंट से खतरा है जी। जो पहले पहले कमिश्नर साहब ने सबको हमने कंप्लेंट दिया था, वो कंप्लेंट में कोई सुनवाई हुई? नहीं सर, मैंने कंप्लेंट दी थी, डीसी साहब को लिखा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। उसके बाद आप कंप्लेंट कहाँ दिया? उसके बाद मैंने जो है शाह साहब हैं उनके यहाँ कंप्लेंट लगाई, जो एंटी करप्शन का जो एनजीओ चलाते हैं। जी जी, ठीक है जी, मैंने कई बार इनकी कंप्लेंट भी की है। अच्छा, उसको लास्ट आपने मानव अधिकार सेना का मीडिया का सहारा लिया है, मीडिया में कंप्लेंट डाली है, एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन? जी सर, नेशनल ह्यूमन राइट में मैंने लिखा जी, अपनी एप्लीकेशन लिखी है कि भाई मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे जो अधिकारी है सीनियर्स में मेरी नहीं सुन रहे हैं जी, इसलिए मैंने मेडिसिन सेल को मैंने लिखा है जी।
हमारे साथ में NHRC के चीफ मौजूद हैं शाजी जैकब साहब। जी सर। हाँ जी, आज दिल्ली में पूरे एरिया में करप्शन हो रहा है, आंगनवाड़ियों में, MCD में, बहुत जगह करप्शन है। हमारे पास तमाम एरिया से शिकायतें आती हैं। बिल्कुल, तमाम एरिया से शिकायत आते हैं। ये शिकायत को जरूर हम आगे बढ़ा देगा, इसका सुनवाई होगा, इसका कार्रवाई होगा। ये कोई भी जो अधिकारी है उनका एक्शन होना जरूरी है। जी, आपके मीडिया सेल की सर जानकारी दीजिए प्लीज़, कुछ चंद शब्दों में। हाँ जी, हमारा मीडिया असल के जानकारी यही है जो आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस जगह पे करप्शन हो रही है उस जगह पे हम खड़ा हो जाएगा, उनका खिलाफ करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच।